नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और आप खबरें विस्तार से। घर की छत पर बैठी महिला को दूर पड़ोस में रह रहे पिता पुत्र ने गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने घायल को जिला चिकित्सालय में इलाज हेतु दाखिल कराने के बाद मामला जांच में ले लिया है। मुरैना कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गापुरी कॉलोनी की मदीना मस्जिद के पास निवास करने वाले खलील खान की पत्नी बीती रात घर की छत पर बैठी हुई थी। उसी समय दूर पड़ोस में रहने वाले बीरबल व उसका पुत्र आए और जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। महिला सीमा खान की छाती में गोली लगी जिससे वह घायल हो गई। परिजनों ने महिला को जिला चिकित्सालय में इलाज हेतु दाखिल कराया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले को संदिग्ध पाया और जाँच में ले लिया। ये बीरबल के लड़के ने जो हमारे पास ही रहते हैं, हमसे 50 फुट की दूरी दुर्गापुरी कॉलोनी मदीना मस्जिद, मुझसे एक बार से एक साल से केस वाई चल रही है। मेरे भाई बहन ने 76 लगाई गोली, बस ज़्यादा 20 मिनट हुई है। दरअसल में सूचना प्राप्त हुई थी कि मदीना जो मस्जिद वाली गली है वहाँ गोली चल गई है, तो हम तत्काल यहाँ पर आए। तो यहाँ खलील हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनकी पत्नी सीमा छत पर बैठी हुई थी, पड़ोस में रहने वाला कोई लड़का है दिलीप और बीरबल, तो बताया दिलीप ने गोली चलाई है, वो उनके सीने में लगी है। अभी 307 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, अनुसंधान किया जा रहा है, तदनुसार कार्रवाई की। ये बता रहे थे कि पहले 370 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, ये जो फरियादी है इसका भाई है जीशान, उसके खिलाफ उसी पैसे ये घटनाक्रम हुआ है। माननीय मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने वार्ड क्रमांक 16 में स्थित बिरला प्रसूति गृह में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए डिलक्स सुलभ कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन किया। यह डिलक्स सुलभ कॉम्प्लेक्स 19 लाख की राशि से निर्मित किया जाएगा। इंडिया खबर लाइव के लिए अनुप पांडे की रिपोर्ट। जब इनकी सेवा आप सही मन से करोगे तो आपको मेवा भी सही मिलेगी, और नकली सेवा करोगे तो नकली मेवा मिलेगी। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं अपने साथियों से कि चुनाव से पहले एक कहा गया था कि 200 रुपए बिजली का बिल आएगा। भाई उसका आदेश था कुल 1.5 किलो वाट तक की बिजली जलाओगे तो आपको 200 रुपए तक लगेगा, पर हमने तो उसमें सुधार किया जाधव साहब कि 100 यूनिट तक 100 रुपए ही लेंगे हम, 100 यूनिट तक 100 रुपए लेंगे, 100 से ज्यादा ऊपर लगे जलेगी जिसकी उस पे पैसा ज्यादा लगेगा। तो जो गरीब अपने घर पे एक पंखा एक कूलर चलाता है उसका बिल 100 रुपए से ज्यादा नहीं आएगा। भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 10 अप्रैल 2011 को शहीद हुए सीमा सुरक्षा बल सैनिक परिवार को सरकार व शासन की ओर से मिलने वाली सुविधाएं 8 वर्षों में नहीं मिल पाई हैं। शहीद की वीरांगना पत्नी एवं पुत्र पुत्री मुरैना से ग्वालियर भोपाल तक दर दर भटक रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उन्हें सुविधा प्रदान करने का आश्वासन नहीं दिया है। विगत दिवस केंद्रीय कृषि एवं पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री से गुहार की है, अब देखना यह है कि शहीद परिवार को सरकार शासन की सुविधाएं मिल पाती हैं या नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह फेल हो रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति बस से बदतर हो गई है, बिजली नहीं मिल रही है, यह कार्यक्रम भी हो रहा है तो जनरेटर में हो रहा है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके लिए अपनी मर्यादा में रहकर पूरा संघर्ष करेंगे और जनता को वो सुविधाएं मिले ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। वो मुझे एक बहन मिली थी, लेकिन उनकी जो परिस्थिति है वो मेरे पूरे संज्ञान में नहीं है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई शहीद हुआ और अभी तक उसकी कोई पेंडेंसी हो। कई बार ऐसा होता है कि मृत्यु की परिस्थिति कुछ और होती है और हमको कुछ और लगता है, लेकिन उन्होंने मुझे आज आवेदन दिया है, मैं उसकी जांच करवाऊंगा। जिला योजना समिति की बैठक में रेत के अवैध कारोबार तथा गुणवत्ता विहीनी रेत से हो रहे शासकीय निर्माण पर रोक लगाने की मांग पर प्रभारी मंत्री ने प्रशासन व पुलिस को निर्देशित किया कि किसी भी कीमत पर यह अवैध कारोबार रुकना चाहिए। प्रतिदिन 10 से 15 वाहनों को पकड़कर राजसात किया जाना चाहिए। रेत का अवैध परिवहन कर रहे वाहनों के मार्ग पर पड़ने वाले पुलिस थाने पैसा लेने में लगे हुए हैं, यह अब बर्दाश्त नहीं होगा।
कई सदस्यों ने तो नहीं उठाए, एक सदस्य ने प्रश्न उठाया और निश्चित तौर पर जो उसका प्रश्न उठाया था वो जायज था। और मैंने आज स्पष्ट कलेक्टर और एसपी को निर्देशित किया है कि यहाँ से जो हमारा चंबल का रेत है, जो 100% बैन है, ये रेत का यहाँ बड़े पैमाने पर उत्खनन हो रहा है और इस उत्खनन को रोकने के लिए कलेक्टर और एसपी आज ही मैंने कहा है कि आप तत्काल कार्रवाई करें। ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो अवैध उत्खनन करा रहे हैं, उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करें। आज के भौतिकवादी व्यस्ततम जीवन में आनंद लेना अपने जीवन को बेहतर बनाने का कार्य है। मानव के अंदर ही मानव छुपा हुआ है, वह स्वयं आनंद ग्रहण कर सकता है। इसलिए कांग्रेस सरकार ने आध्यात्म विभाग के तहत आनंद लेने का कार्य आरंभ किया है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मानव को आनंद लेने के लिए आयोजन किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन का अध्यात्म विभाग राज्य आनंद संस्थान द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर आनंदक सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में जिला मुरैना में आनंदक सम्मेलन का आयोजन है। हमारे समाज में मानवों के बीच में तनाव, स्ट्रेस, टेंशन ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हम इसकी सॉल्यूशन, इसका उपचार समाज में ही तलाश रहे हैं। जबकि सही आनंद तो हमारे अंदर ही छुपा हुआ है, तो हमारी खुद से बात इसके लिए एक प्रयास है कि आनंद कहीं बाहर नहीं है, आनंद आपके पास ही है, आपके अंदर है, बस हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे। तो विभिन्न कहानियों के माध्यम से, विभिन्न प्रोग्राम्स के माध्यम से इसको आयोजित किया जा रहा है और इसमें यही कोशिश है कि व्यक्ति सही आनंद को पहचाने कि आनंद आखिर है कहाँ, आपके अंदर छुपा हुआ है और आप उस आनंद को तलाश दूसरी जगह कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। तो खुद के अंदर आनंद है, उसी आनंद की अनुभूति के लिए, उसी एहसास के लिए कुछ गतिविधियों से सजा हुआ एक प्यारा सा गुलदस्ता यहाँ सम्मेलन के रूप में आयोजित किया। अब वास्तविकता तो ये है कि आनंद विभाग था पहले, भारतीय जनता पार्टी का शासन था मध्य प्रदेश में, तब उसको आनंद के नाम से मंत्रालय भी खोल दिया, बजट भी इसको दिया था और इसका आनंद भी खूब लूटा उन लोगों ने। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और कांग्रेस की जब सरकार आई तो उन्होंने इसको देखा ये क्या विभाग है और उसको तत्काल उन्होंने आध्यात्म विभाग के नाम पर किया है। और आध्यात्म विभाग एक ऐसा अभी मंत्रालय है तो है नहीं, विभाग है और इसको एक इस तरह से अब ढाला जाएगा कि आध्यात्मिकता की ओर हम हर आदमी को ले जाएंगे और आध्यात्मिकता से हम सही आनंद की ओर जाने का काम करेंगे। ये आनंद अपने आप में पाया जाता है और ये आनंद जब ही हमको प्राप्त होगा जब हम उन लोगों की सेवा करेंगे कि जो लोगों की आवाज़ें दबी हुई हैं, उन लोगों को सहारा नहीं मिल रहा है, उन लोगों को परेशानी है, उनका जब हम बेसहारा लोगों का जब हम सहारा बनेंगे तो हमें अपने आप अपमित आनंद प्राप्त होगा। आनंद कोई शब्द से प्राप्त नहीं हो सकता है, आनंद कोई बाजार में नहीं बिकता है, आनंद हमारे अंदर छुपा हुआ है और आनंद हम जब ही प्राप्त करेंगे जब दूसरों के लिए समर्पित हो जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत रहा है, गांधी जी का सिद्धांत रहा है, अपने आप को मिटाकर दूसरों को जिंदा करो, अपने देश की रक्षा करो। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।